हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंजलि वर्मा और एक बार फिर से आपका CGCE ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मैट सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड की, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट की कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कैजुअल कंपेरेटिव स्टडीज़ की। आज बात करेंगे हम लोग कोरिलेशन स्टडीज़ की, इसके साथ साथ प्रेडिक्शन स्टडीज़ की, क्रॉस कल्चरल एंड कंपेरेटिव स्टडीज़ की। ये सारे रिसर्चेज जो हैं वो रिसर्च मेथड जो हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मात्रात्मक अनुसंधान में, क्योंकि इनमें हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसका सांख्यिकी विधियों के द्वारा क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कोरिलेशनल स्टडीज़ की। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध, यानी कि एक दूसरे के बीच में क्या संबंध है। अब वो कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई संस्था हो सकती है। मीन्स हम एक चर लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं कि नहीं, दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कोरिलेशन रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक इस तरीके का अनुसंधान का प्रकार है जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, अप्रायोगिक है, जिसमें हम प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन हाँ हम उन दो चरों के बीच में संबंध को जरूर ज्ञात करते हैं। इन विच अ रिसर्चर मेजर्स टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स को मेज़र करता है और उसके बाद अंडरस्टैंड एंड असिस्ट द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना। तो पहले तो उन वेरिएबल्स को जांचता है या उसको में उसका मापन करता है, उसके बाद उन चीज़ों को समझता है कि आखिर क्या है, इनमें संबंध क्या है, और फिर उसको असिस करता है और उनके बीच में जो सांख्यिकी रिलेशनशिप है या संबंध है उसको ज्ञात करने का प्रयास करता है विद नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी एक्सट्रोनियस वेरिएबल। अब जो प्रायोगिक अनुसंधान होते हैं उसमें हम लोग एक्सट्रोनियस वेरिएबल का प्रभाव भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सट्रोनियस वेरिएबल के प्रभाव को नहीं देखते हैं। जो वेरिएबल हमको, जिनके बारे में हमें संबंध ज्ञात करना है, हम सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को देखते हैं। द कोरिलेशन कोफिशियंट शोज़ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। तो कोरिलेशन जो होता है, सहसंबंध होता है, वो सिर्फ हमें दिशा बताता है कि हमारा जो सहसंबंध है वो किन्हीं दो चरों के बीच में वो क्या है और किस दिशा में है। अब कोरिलेशन जो होता है, सहसंबंध, वो तीन तरीके का होता है, तीन प्रकार का होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। तो ये जो सहसंबंध है, ये जो दिशा होती है, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो कोरिलेशन के माध्यम से हम चरों के बीच में इस तरीके के संबंध को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो कोरिलेशन कोफिशियंट होता है, यानी कि सहसंबंध गुणांक हमें क्या बताता है, मात्रा बताता है, यानी मैग्नीट्यूड बताता है। तो कोरिलेशन कोफिशियंट शोज़ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो सहसंबंध की मात्रा है वो हमें हमेशा कोरिलेशन कोफिशियंट बताता है। क्या बताया, ए कोरिलेशन कोफिशियंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। यानी कि कोरिलेशन कोफिशियंट या सहसंबंध गुणांक हमारे जो सहसंबंध की जो स्ट्रेंथ है, उसकी मजबूती है, वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, या फिर उसमें कोई संबंध नहीं है, इस चीज़ को बताता है। अ वैल्यू मेजर्ड बिटवीन -1 एंड +1, तो कोरिलेशन कोफिशियंट जो होता है वो -1 और +1 के बीच की कोई वैल्यू होती है। व्हेन द कोरिलेशन कोफिशियंट इज क्लोज टू +1, देर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जब कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो +1 के करीब रहती है या पास रहती है, तो फिर उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। इफ़ द वैल्यू इज़ क्लोज टू -1, देर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर -1 के पास है, मीन्स हमारी वैल्यू प्लस पॉइंट पे जा रही है, 1 से कम है, तो फिर वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। व्हेन द वैल्यू इज क्लोज टू 0, देन देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जब ये वैल्यू जो है, कोरिलेशन कोफिशियंट की वैल्यू 0 होती है, या 1 या 0, 1 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं होती है, यानी 1 नहीं होती, 0 होती है, तो फिर वहाँ पे हमारा नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर हाइपोथेटिकली अ रिसर्च स्टडी
ए कोरिलेशन बिटवीन कैंसर एंड मैरिज, यानी कि जो कैंसर बीमारी है और मैरिज यानी शादी के बीच में हमें कोरिलेशन। अब हमारा कैंसर क्या है, एक वेरिएबल है, और दूसरा मैरिज हमारा वेरिएबल है, शादी। इन दिस स्टडी देर इज़ टू वेरिएबल, डिसीज एंड मैरिज, यानी कि एक रोग है और दूसरी शादी है। लेट अस से मैरिज हैज़ अ नेगेटिव एसोसिएशन विद कैंसर, दिस मीन्स द मैरिड पीपल आर लेस लाइकली टू डेवलप कैंसर। मीन्स यहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि जो शादी है वो कैंसर के साथ जो है उसका लेस एसोसिएशन होता है, उसका ऋणात्मक अनुसंधान हो, ऋणात्मक से संबंध होता है। मीन्स जो शादीशुदा लोग होते हैं उनमें कैंसर की संभावना कम होती है। टाइप ऑफ कोरिलेशन रिसर्च, मेनली थ्री टाइप ऑफ कोरिलेशन रिसर्च हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कोरिलेशन अगर हमें याद करना है कि जो बच्चा साइंस में अच्छा होगा वो आर्ट में भी अच्छा होगा, है ना। इस तरीके से अगर कोई किसी बच्चे के अगर साइंस में मार्क्स अधिक आते हैं और साइंस के साथ साथ उसके आर्ट में भी मार्क्स अधिक आते हैं, तो फिर वहाँ पे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं, यानी दो विषयों के बीच में हम कोरिलेशन को बता सकते हैं। ठीक है, या फिर हाई आईक्यू वाले बच्चे जो होते हैं जिनका इंटेलिजेंस कोशेंट या जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है वो क्रिएटिव होते हैं, तो क्रिएटिविटी और आईक्यू के बीच में हम सहसंबंध को बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कोरिलेशन स्टडीज़ हम लोग करते हैं। भाई ये देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, यानी कि धनात्मक सहसंबंध। अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज़ व्हेन एन इंक्रीज इज़ वन वेरिएबल लीड्स टू अ राइज इन द अदर वेरिएबल। मीन्स अगर अब कोरिलेशन में क्या होता है कि जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो रिसर्चर है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखता है कि क्या प्रभाव होगा। ठीक है, क्या संबंध है दो वेरिएबल का। तो अगर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन व्हेन एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज टू अराइज इन द अदर वेरिएबल्स, जैसे प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो प्राइस एंड डिमांड, जैसे जैसे बाजार में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सामान की कीमतें घटती जाती हैं वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका डिमांड कम होती जाती है। चीज़ें महंगी होती जाती है, डिमांड कम होती जाती है। तो यहाँ पे किस तरीके का रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, कि एक वेरिएबल के बढ़ने से अगर दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट होता है उसकी गुणवत्ता में या उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। एक ही दिशा में अगर हो रहा है परिवर्तन तो वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अ डिक्रीज इन वन वेरिएबल विल सी इन रिडक्शन इन द अदर वेरिएबल, है ना। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है एक वेरिएबल में तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर एक में कमी आ रही तो दूसरे में ही भी कमी आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे हमारे खाना खाने की स्पीड और हमारे भूख जो है, जैसे जैसे हम खाना खाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा भूख का स्तर कम होता जाएगा और हमारी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ठीक, अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, नकारात्मक मैंने बताया प्राइस और डिमांड, है ना। अ नेगेटिव कोरिलेशन इज क्वाइट लिटरली द अपोजिट ऑफ अ पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप, है ना। अगर एक वेरिएबल में कम बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरे वेरिएबल में कमी होगी, वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जैसे बाजार में अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उसी के साथ उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन वन वेरिएबल द सेकेंड वेरिएबल विल शो इन डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, अगर एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इस तरीके से उनमें रिवर्सली जो है अपोजिट जो है डायरेक्शन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो अगला घटेगा। फिर आते हैं नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन जिसे हम लोग कहते हैं। इन दिस थर्ड टाइप देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अ चेंज इज वन वेरिएबल मे नॉट नेसेसरली सी इन
या डिफरेंसेस इन द अदर वेरिएबल, है ना। अगर एक वेरिएबल में परिवर्तन हो रहा है और दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके एक वेरिएबल के परिवर्तन से दूसरे के वेरिएबल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो एक इस तरीके से हम लोग कोरिलेशनल स्टडीज़ में या जो सहसंबंधात्मक अनुसंधान है उनमें हम लोग एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का सहसंबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रेडिक्टिव रिसर्चेस को या प्रेडिक्शन। प्रेडिक्टिव स्टडीज़ क्या होती हैं? अनुमानात्मक अनुसंधान। अनुमानात्मक अनुसंधान में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च कंसर्न विद फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स और बिहेवियर। मीन्स इस तरीके के अनुमानात्मक अनुसंधान में हम लोग जो कार्य करते हैं या अनुसंधान कार्य करते हैं उसका भविष्य में वो किस तरीके का रिएक्शन होगा उसका, उस चीज़ को उससे हम फोरकास्टिंग करते हैं या अनुमान लगाते हैं, ठीक है। जैसे जो साइंटिफिक नेचर के जितने भी अनुसंधान होते हैं वो सारे जो है वो प्रिडिक्टिव नेचर के होते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्चेज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो रिसर्चेज होती हैं या फिर अदर फील्ड में जो भी रिसर्चेज होती हैं जिनका भविष्य में क्या परिणाम होगा इस चीज़ को जानने के लिए या इसका क्या प्रभाव होगा उसके लिए हम लोग इस तरीके के रिसर्चेज करते हैं। द असेसमेंट ऑफ वेरिएबल एट वन पॉइंट इन टाइम सो एज टू प्रिडिक्ट अ फिनोमिनन असेस एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। मीन्स हम लोग ऐसे वेरिएबल्स को एक टाइम पीरियड पे चेक करते हैं, जांचते हैं और फिर उसका कुछ समय बाद उसका क्या प्रभाव होगा और कुछ समय बाद, जैसे कि अभी मान लीजिए आपके करिकुलम कंस्ट्रक्शन पे कोई रिसर्च चल रहा है कि हाँ इस बीएड का या एमएड लेवल का जो सिलेबस हो वो किस तरीके का हो, जैसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आ रहा है तो उस पर अनुसंधान कार्य चल रहा था कि अगर हम इस तरीके का कोई कोर्स वर्क लाते हैं तो उस कोर्स वर्क से कब क्या फ़ायदा होगा और भविष्य में हम उससे क्या जो है उसके क्या परिणाम होंगे। तो जो फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एजुकेशन है उसमें फिर इंटर के बाद ही जो है वो बीएड बच्चा ज्वाइन कर सकता है, उससे कि जो ग्रेजुएशन करने का जो 3 साल का समय है वो बर्बाद नहीं होगा और अगर वो एजुकेशन लाइन या बच्चा टीचिंग लाइन जो है वो करियर बनाना चाह रहा है तो उसके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और समय नहीं बर्बाद होगा, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन करता है, इंटर करने के बाद 3 साल ग्रेजुएशन करता है, फिर वो बीएड करता है या बीएलएड बीटीसी जो भी उससे करना है वो करता है, तो अब बीच में अगर बच्चा भ्रमित हो गया कि भाई हमने बीएड में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी, अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी तो याद आ गया कि चलो अब हम राजनीति में अपना करियर बनाएंगे, है ना, तो यहाँ भी लक्ष्य से वो भटक सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो ये प्रोग्राम है या रिसर्चे जो होते हैं वो भविष्य में होने वाले फ़ायदों को या नुकसान को देख करके बनाए जाते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस इतने दिन के बाद जो है वो या इतने समय के पश्चात हमारा ये परिणाम आएगा। जैसे 5 ईयर प्लान्स, जो 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट बनाती है तो वो भविष्य में पहले से जो भी सेंसेस होती हैं या जनगणनाएँ होती हैं उन जनगणनाओं के आधार पर या पिछले कार्यों के आधार पे उसका अनुमान लगाती है कि अगले 5 सालों में क्या क्या होना है और हमें किस तरीके की जो है वो विकासात्मक रूपरेखा तैयार करनी है, ठीक है। अ रिसर्चर माइट कलेक्ट, एक एग्जांपल देखते हैं कि अ रिसर्चर माइट कलेक्ट हाई स्कूल डेटा सच एज ग्रेड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टीचर इवेल्युएशंस, एडवांस कोर्सेज टेकन एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट सच कॉलेज सक्सेस मेजर्स एज ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ ग्रेजुएशन अवार्ड रिसीव्स एंड लाइकलीहुड ऑफ परसुइंग फर्दर एजुकेशन कंपेयर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, है ना। तो इस तरीके से क्या करता है कि एक अगर रिसर्चर जो है वो किसी कोर्स के लिए किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसने क्या किया, वो स्कूल का डेटा इकट्ठा किया, उसने वहाँ के ग्रेड्स इकट्ठा किए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, टीचर इवेल्युएशन किया कौन से कॉलेज में कौन से टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो वहाँ के टेस्ट हैं उसको वो सारी वहाँ से डाटा इकट्ठा करके फिर उसको क्या किया, इवेल्युएट किया और इवेल्युएट करने के बाद उसको स्टैंडर्डाइज किया। तो इस प्रकार से वो पता कर सकता है कि हाँ
कौन सा कॉलेज जो है वो भविष्य में उन्नत करेगा और किस में हमें एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। देन है क्रॉस कल्चरल स्टडीज़। क्रॉस कल्चरल भी एक तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही एक है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का डेटा है। इसमें क्या होता है कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ आर रिसर्च डिज़ाइन दैट कंपेयर ह्यूमन बिहेवियर्स अक्रॉस टू आर मोर कल्चर। क्रॉस कल्चरल स्टडीज इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स दैट एम टू अंडरस्टैंड वेरिएशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर कॉन्टेक्स्ट, है ना। जो अंतर सांस्कृतिक क्रॉस कल्चरल, जिसे हम लोग अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान कहते हैं, जो अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान होते हैं उनमें जो रिसर्चर होता है कि इन्हें दो संस्कृतियों के बीच में तुलना करता है या फिर उनमें क्या अंतर है, इस तरीके का अध्ययन करता है, एक कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हमारा एक ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सॉरी एक मुस्लिम कल्चर है, ठीक है। मुस्लिम कल्चर में अलग अलग एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, जैसे शादियां हैं कैसे होती हैं, बच्चे का बर्थडे कैसे मनाया जाता है, या समाज में किस तरीके से एजुकेशन कैसी है। तो अलग अलग कल्चर, अब या उसको कंपैरिजन कर रहे हैं हम क्रिश्चियन कल्चर से या हिंदू कल्चर से, तो अलग अलग कल्चर्स को जो है वो कंपैरिजन करता है, ए दो या दो से अधिक कल्चर्स का आपस में तुलना करके उनका अध्ययन करता है और फिर उनमें क्या समानता है और क्या उनमें मतभेद हैं, इस चीज़ को जानने का प्रयास करता है, ठीक है। दिस रिसर्च अप्रोच इज़ प्राइमरली कंसर्न विद एग्जामिन हाउ आर नॉलेज अबाउट पीपल एंड देयर बिहेवियर फ्रॉम आवर कल्चर मे आर मे नॉट बी होल्ड टू पीपल फ्रॉम अनदर कल्चर। मीन्स इस तरीके के जो रिसर्चेज होते हैं, जो क्रॉस कल्चरल रिसर्चेज होते हैं अंतर संस्कृति, उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये देखना होता है कि दो संस्कृतियों के बीच में लोगों के बीच में क्या संबंध है, कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग समान हैं या फिर कहाँ कहाँ पे हैं जो अगले कल्चर में है और दूसरे कल्चर में नहीं है, और जो इससे जो है वो एक राष्ट्र के विकास में जो है वो महत्वपूर्ण, राष्ट्र के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये जानने में सहायता मिलती है कि हाँ किस तरीके के कल्चर्स को हमें अपनाना है और किस तरीके के कल्चर्स को नहीं अपनाना है। तो इस तरीके की स्टडीज़ भी अनुसंधान के अंतर्गत की जा सकती हैं। क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ शेयर मेथडोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ एज एनी अदर साइंटिफिक रिसर्च स्टडी। जो क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ होती हैं उनमें जो मेथडोलॉजी यूज होती है या जो विधि मेथड या विधियाँ अनुसंधान की होती हैं वो अदर रिसर्चेज के तरह की होती हैं, जैसे कि जो बाकी रिसर्चेस के स्टेप्स होते हैं उसी तरीके से हम लोग इस तरीके के भी रिसर्चेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंपैरेटिव स्टडीज़ यानी तुलनात्मक अनुसंधान। कंपैरेटिव रिसर्चेस इज द रिसर्च मेथडोलॉजी इन द सोशल साइंसेज दैट एम्स टू मेक कंपैरिजंस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज आर कल्चर। तुलनात्मक, जैसे कि हमने बताया क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ होती हैं, तो वो किन्हीं दो संस्कृतियों के बीच में जो है उनके संबंध, उनकी समानता और विषमता को देख करके किया जाता है, जबकि कंपैरेटिव रिसर्चेज में भी हम लोग इस तरीके का अनुसंधान करते हैं जिसमें किन्हीं दो देशों के बीच में, किन्हीं दो समाज के बीच में या किन्हीं दो परिवार के बीच में, जैसे भी हम ना चाहें, उनकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन करना क्या कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया हमारे देश का इकोनॉमिकल सिस्टम, है ना, या राजतंत्र व्यवस्था ले ली हमने, जो हमारी व्यवस्था है या शासन प्रणाली है, तो हमारे यहाँ का शासन प्रणाली और ब्रिटिश का शासन प्रणाली या अमेरिकन जो हमारी रूलिंग सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या समानता है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो इसमें क्या होता है कंपैरेटिव स्टडीज़ में, अब जब क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग दो विभिन्न तरीके की जो संस्कृतियाँ हैं उनको देखते हैं और उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। जबकि कंपैरेटिव रिसर्चेज में हम लोग एक ही क्षेत्र को, जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का क्या है, अभी अगर हम स्विट्ज़रलैंड या फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम को देखें तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, हम इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बोर्ड का, जैसे CBSE बोर्ड का पैटर्न क्या है, UP बोर्ड का पैटर्न क्या है एजुकेशन का, तो
उनका करिकुलम कैसा है, हाँ CBSE बोर्ड का करिकुलम कैसा है, अदर अदर जो हमारे एजुकेशन बोर्ड हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं कंपेरेटिव स्टडीज़ में, ठीक है ना। तो इसमें कह सकते हैं कि हम लोग जो तुलना करते हैं वो तुलना का जो क्षेत्र होता है वो एक ही रहता है, ठीक है, लेकिन बस अलग उनका उसका जो नेचर होता है वो अलग होता है या फिर अलग संस्था। अब जैसे एजुकेशन जो क्या कहते हैं पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, अब जैसे मुदालिर कमीशन है या कोठारी कमीशन है, अब दो कमीशन्स के जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी भी हम तुलना कर सकते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें कही गई, इनमें क्या क्या चीज़ें कहेंगी, उनमें क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ें कहेंगी, उसमें क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ें कही। तो इस तरीके से हम एक कंपेरिज़न कर सकते हैं। तो कंपेरेटिव स्टडीज़ में हम लोग इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए कंपेरेटिव स्टडीज़ is that the data sets in different countries may define categories differently, for example by using different definitions of poverty. अब अगर अमेरिका की पावर्टी देखें तो अलग उसकी डेफिनेशन होगी, वो अलग नेचर की होगी। अगर हम इंडिया की देखें या अगर सोमालिया की पावर्टी देखें तो वहाँ की पावर्टी अलग नेचर की होगी। तो ये एक पावर्टी हमारा विषय है और उस पावर्टी से को लेकर के हम अलग अलग देशों के बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। कंपेरेटिव रिसर्च सिंपली पुट इज द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग टू आर मोर थिंग्स विद अ व्यू टू डिस्कवरी समथिंग अबाउट वन आर ऑल ऑफ द थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड। द टेक्निक्स ऑफन यूटिलाइज मल्टीपल डिसिप्लिन्स इन वन स्टडी, है ना। तो कंपेरेटिव स्टडीज या तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग बाकी रिसर्चेस की तरह ही करते हैं और इसमें हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं या तुलना करते हैं या कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप कि सब चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। बाकी चीज़ें जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।